नमस्ते बेटिया, कैसे हो आप सब लोग? सब खुश हो? आज माय नेम इज भाग्य वर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय लेक्चर ऑन सब्जेक्ट ई कॉमर्स एंड द नेम ऑफ माय सेशन इज ई मार्केट प्लेस एंड इट्स कंपोनेंट। सो मार्केट ई मार्केट प्लेस क्या है? एक ऐसी जगह है जहां आप अपने जहां सेलर और बायर अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकता है और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ क्या करता है, सेलर और बायर आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में कि ई मार्केट प्लेस में आपके पास क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इसके कुछ हम लोगों के पास कंपोनेंट है, जैसे इसके अंदर आ जाता है इसके कंपोनेंट में लाइक द मेजर कंपोनेंट्स एंड प्लेयर्स ऑफ मार्केट प्लेस आर कस्टमर्स, सेलर्स, गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्विसेज एंड इंटरमीडिएटरी एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स। सो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, अलग अलग तरीके के इसमें कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट क्या, कस्टमर्स क्या है, कस्टमर्स कौन होते हैं? तो कस्टमर क्या है, एक ऐसे कुछ पोटेंशियल बायर्स होते हैं जो आपकी पर्टिकुलर सर्विसेज को खरीदते हैं। और वो पोटेंशियल जो बायर्स हैं ये इतने पोटेंशियल होते हैं कि हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में ध्यान रखते हैं। जैसे इंटरनेट पे आपने कोई चीज प्रोवाइड करी या उसका कोई एडवर्टाइजमेंट करा, तो वहां से ये लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं और उस अकॉर्डिंग क्या है अपने जो ये लोग जो है चीजें बाय करते हैं। तो फिर उसके बाद में हम लोगों का आ जाता है सेलर्स। अब सेलर्स सेलर कौन है? तो ऐसे लोग जो क्या बोल ऐसे लोग जो आपकी कोई प्रोडक्ट या कोई चीज को खरीदते हैं, वही आप लोगों के क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं मिलियंस ऑफ स्टोर फ्रंट्स आर ऑन द वेब एडवर्टाइजिंग ऑफरिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ आइटम्स। तो ये क्या करते हैं, वेब पर एडवर्टाइज करते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे बहुत एक ह्यूज वैरायटी ऑफ आइटम्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एवरी डे इट इज पॉसिबल टू फाइंड न्यू ऑफरिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हर दिन हम लोगों के लिए पॉसिबल होता है कि हम नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या कर सके, देख सके। सेलर्स कैन सेल डायरेक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट्स ऑन वेबसाइट और फ्रॉम ई मार्केट प्लेसेस। तो यहाँ क्या कर ये लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं या तो किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर और फ्रॉम एन ई मार्केट प्लेस, या तो कोई ई मार्केट प्लेस है उन सब पे आराम से ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब ई मार्केट प्लेसेस में इसमें जैसे कोई पोर्टल हो गया या कोई वेबसाइट हो गई या किसी का कोई ऑनलाइन पेज हो गया, तो वहां से ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। अब एक हम लोगों के पास में आ जाता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। सो वन ऑफ द मेजर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मार्केट स्पेस एंड मार्केट प्लेस एंड मार्केट स्पेस इज द पॉसिबल डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन मार्केट स्पेस। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप सिंपल जो जगह आप सामान खरीदने जाते हो और जो ई मार्केट प्लेस है आपके पास, उसमें डिफरेंस क्या है? तो उसमें डिफरेंस बस यही है कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप सेल और बाय कर रहे हो, वो वहाँ वो सारी की सारी क्या है, वहाँ जो होने वाला ट्रांजेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजेक्शन है। और जो प्रोडक्ट्स और गुड्स आप बाय कर रहे हो वो क्या है, डिजिटलाइज भी हो सकती है। मतलब जैसे आप किसी भी जगह अगर कोई चीज सेल आउट करते हो, लेकिन सिंपल मार्केट प्लेस पे आप सिंपल क्या कर सकते हो कि भी डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल कोई चीज आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो किसी सॉफ्टवेयर का लेन देन भी किसमें आ जाएगा, ई मार्केट प्लेस के अंदर आ जाएगा। तो यही इसमें क्या है, मेजर डिफरेंस है। ऑल दो बोथ टाइप्स ऑफ मार्केट प्लेस कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, द मार्केट स्पेस कैन ऑल्सो सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स विच आर गुड्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल फॉर्मेट एंड कैन डिलीवर ओवर द इंटरनेट। इन एडिशन टू द डिजिटलाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक, इट इज पॉसिबल टू डिजिटाइज डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
बस हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, अपने कोई भी चीज को डिजिटली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल किसी चीज को भी हम लोग सेल और परचेज कर सकते हैं। ऑल्दो एक ये चीज जरूर रहती है कि आप जब प्रैक्टिकली किसी शॉप पर जाते हैं और अपना कोई सामान वगैरह जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वहां पे अगर आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मान लीजिए किसी कस्टमर को पसंद आ रहा है और उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है अगर आपकी दुकान पे, तो वहां से आप क्या करते हो, उसी चीज का ऑर्डर वापस मंगवाते हो। अगर वो चीज खत्म हो जाती है फिर उसी चीज का ऑर्डर वापस मंगवाते हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग लगती है। लेकिन जब आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की बात करते हो, तो आप ये देखते हो कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई आपने एप्लीकेशन बनाई, और वो एप्लीकेशन को जितनी जगह लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक बार एप्लीकेशन को बनाने में जो खर्चा जो भी आपका आया है, वो एक बार अगर आपका लग जाता है, तो उसके बाद जितने मल्टीपल टाइम्स ऑफ वो चीज बिकेगी, जितने लोग उसे डाउनलोड करेंगे या फिर उसे परचेस करेंगे उस चीज को, तो एक बार कॉस्ट लगने के बाद में वो आपको जब भी वो सेल आउट होगी तो आपको प्रॉफिट ही देगी। लेकिन जब आपका यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी कि एक बार कोई चीज अगर आप खरीद लेते हो, लेकिन उसको जब आप सेल आउट करते हो, फिर कस्टमर को वो चीज वास्तव में पसंद भी आ रही, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज को मार्केट में किसी और जगह से अपनी दुकान तक लाने के लिए बार बार एक ट्रांजेक्शन या ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट तो खर्च करनी ही पड़ती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यही डिफरेंस है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में और वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में, जब आप एक बार उसको सेल आउट करते हो, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की जब एक बार सेल आउट होने लग जाती है, तो जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता है। तो अब हम आ जाते हैं कि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो क्या इंक्लूड करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी अलग अलग चीजें इसमें हो सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रंट एंड क्या होता है, वो जगह जहाँ पे कस्टमर देख पा रहा है जो जो चीजें उसको चाहिए, किसी भी जैसे वो पोर्टल पे जाता है, किसी वेबसाइट पे जाता है, तो वही उसका क्या हो गया, फ्रंट एंड। उसके सिवा आता है आपका एक बैक एंड, जो भी ऑर्डर करने के बाद में जो भी आपकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी रहती है, जैसे कि पेमेंट कैसा हो रहा है, उसकी शिपिंग कैसे करनी है, उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करनी है, तो ये सारी किसमें आ जाएगी, बैकएंड सर्विसेज में आ जाती है। एक है आपका इंटरमीडियरीज, इसके अंदर आपका क्या है, वो लोग जो जब सेलिंग और परचेजिंग होती है प्रोडक्ट की, तो वो जगह जहाँ जो इंटरमीडिएट की जैसे काम करती है, उसको आप लोगों ने क्या बोला है, इंटरमीडियरीज, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, थर्ड पार्टी ऑपरेटर होते हैं जो सेलर और बायर के बीच में वर्क करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफर देयर सर्विसेज ऑन द वेब, और ये क्या करते हैं, वेब पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस को। तो बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन मार्केट जो प्लेस होती है, उसको बनाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हमें इन लोगों की जरूरत होती है। अब हम लोगों का सेकंड है, हम उसके बाद हम लोगों का अदर बिजनेस पार्टनर्स। तो सिर्फ सिर्फ सेलर और बायर के होने से ही हम लोगों का एक मार्केट और एक जो जो बाजार है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो उसके सिवा हम लोगों को क्या चाहिए, और भी जने अदर बिजनेस पार्टनर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट के ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्ट बेच या सेल आउट भी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्या नाम है, उसकी शिपिंग कौन करेगा, तो इन चीजों ये लोग जैसे उसके शिपिंग से रिलेटेड कुछ जो पार्टनर्स होते हैं आपके, वो अदर बिजनेस पार्टनर्स में आ जाएंगे। फिर एक है आपका सपोर्ट सर्विसेज, मैनी डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज आर अवेलेबल, रेंजिंग फ्रॉम सर्टिफिकेशन एंड ट्रस्ट सर्विसेज विच एंश्योर सिक्योरिटी टू नॉलेज प्रोवाइडर्स दिस सर्विस एड्रेस इम्प्लीमेंटेशन इशू। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सपोर्ट सर्विसेज होती है जो हम लोगों को चाहिए होती है, जैसे वो उसका जैसे उसका सर्टिफिकेशन कैसा है, उसका ट्रस्ट सर्विसेज कैसी है, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो हम लोगों को चाहिए होती है जब भी हम किसी भी चीज को सेल आउट या फिर सेल आउट कर रहे हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माई टूडे सेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एंड थैंक
I hope you're satisfied with my session. If you have any query, then please mention it in comment box. Thank you.